तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आया हूँ आप लोगों के कहने पे कबाड़ी बाज़ार। आपने बोला था पर कबाड़ी बाज़ार आज बंद है, तो मैं आया हूँ यहाँ पर मोरसराय मार्केट। तो मोरसराय मार्केट में आप लोगों को पुराने माल से लेकर नए माल तक सारे मिल जाते हैं, और यहाँ आपको बहुत ही सस्ता रिजनेबल रेट और बढ़िया चीज़ आप लोगों को मिलने की उम्मीद रहती है। पर एक चीज़ ये है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ लें तो उसे चेक करके अच्छे से लें, वरना नुकसान में भी जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मार्केट, यहाँ का मोरसराय मार्केट लाजपत राय का। तो यहाँ को डाटा केबल्स और चार्जर वगैरह मिल जाते हैं, और ये आप लोगों को 50-50 रुपये में मिल जाएंगे। पर ये है कि कई बार इनमें ख़राब भी निकल आते हैं, तो ये आप लोगों को खुद चेक करना है अगर आप चेक करने की कोई सुविधा हो आपके पास। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो स्पीकर, हेडफोन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। ब्लोवर है इधर और रोटी मेकर है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को जो चीज़ें हैं, हेडफोन वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर 150 रुपये से मिल जाएंगी आप लोगों को। और ब्लोवर वगैरह, ये ब्लोवर कितने का पड़ रहा भाई? हेलो यार, ये ब्लोवर कितने का ये है? ब्लोवर 400 का पड़ रहा है यहाँ पर, मतलब बार्गेन करोगे तो थोड़ा कम भी पड़ जाएगा। बाकी स्पीकर्स वगैरह और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, देखो किस तरीके से स्पीकर्स के लिए भीड़ लग रही है। तो ये भी आप लोग को ढूंढना पड़ेगा यहाँ से। और ये स्पीकर वाले मतलब 150 रुपये वाले भी हैं, 100 रुपये वाले भी आपको मिल जाएंगे आराम से। काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो ये है कि अगर आप लोगों को चालू चीज़ चाहिए, मतलब सही चीज़, तो उसके लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वरना कई बार ख़राब माल भी आपके हाथ पड़ जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद चेक करना है। यहाँ पर आपको 10-20 रुपये 50 रुपये तक का सामान आप लोगों को मिल जा रहा है। बाकी अब इतनी ट्रैफिक है ना यहाँ पर, मैं तरीके से बना भी नहीं पा रहा। यहाँ स्पीकर्स है, ये देख सकते हैं इधर। तो स्पीकर की रेंज भी, ये कितने कितने की रेंज पड़ रही है भैया? 150 रुपये वाली और ये वाली 150। तो लगा लो 150-150 रुपये मिल रहा है आप लोगों को। अगर थोड़ा हल्का फुल्का बार्गेन ये कर ही लेते हैं वैसे भी, तो मार्केट में आप आके ले सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये है कि बार बार मैं ये कहता हूँ, जब चीज़ लोगे तो आपने खुद चेक करना है कि ये चलने वाली है या नहीं है। पर चलने वाली बहुत है इसके अंदर में, कुछ ख़राब बीच में आ जाते हैं, तो वो आप लोगों को खुद चेक करना होता है। आप लोगों ने अगर ज़्यादा सामान ले लिया और ख़राब निकल आया तो आपका नुकसान है। कई बार ये चेंज करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो दिक्कत ये आ जाती है। यहाँ पर आप लोगों को CCTV कैमराज वगैरह मिल जाते हैं, रिमोट वगैरह, और ये सारे यूज वाले हैं सारे। पर इसमें कई आइटम चालू भी मिल जाता है। इसमें कार स्टीरियो आप लोग को देख रहे हो, ये भी मिल जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ आप लोग को हेयर ड्रायर वगैरह भी है, जो नए पीस हैं, ये जो है नए पीस भी काफ़ी मिल जाते हैं, नए सामान काफ़ी मिल जाते हैं यहाँ पर, और रिजनेबल रेट है यहाँ पर, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको। और ये हेयर ड्रायर आपको जो पड़ जाता है, हेयर ड्रायर कितने का पड़ रहा है भाई? हेयर ड्रायर 250 रुपये का पड़ रहा है हेयर ड्रायर। तो ये आपको थोड़ा 200 रुपये भी लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर छोटे फैन वगैरह भी रखे हुए हैं यार, और ये भी आप लोगों को पड़ जाता है 200 रुपये तक का। तो आप देख रहे हो मार्केट, यहाँ मोरसराय मार्केट का लाजपत राय का कबाड़ी बाजार है। ये मोरसराय लाजपत राय मार्केट कबाड़ी बाजार इसको कहते हैं। ये नए और पुराने सारे माल मिलते हैं इसमें। इतना माल इनके पास है कि स्टॉक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से भरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। हेयरबैंड से लेकर आपको जो हेयरबैंड की रेट है, ये 100-100 रुपये रेट आप लोगों को मिल जा रहा है यहाँ पे, तो आप बार्गेन करके थोड़ा कम भी करवा सकते हैं। स्पीकर्स आपको काफ़ी मिल जा रहे हैं यहाँ पर, 100-50 रुपये की रेंज वाले स्पीकर्स तो बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर आओगे तो। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इधर मार्केट के अंदर में। मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पर, मोस्टली नए सामान भी हैं इसमें, पुराने सामान कुछ कबाड़ के वाले वो अलग हैं। ये जैसे पुराना ये है, ये सारे नए माल हैं। इनमें नए में रिजेक्टेड माल होते हैं ये वाले, ये जो है नए में रिजेक्टेड माल हैं, जो कुछ चीज़ हल्के फुल्के टूटे होते हैं, सारे चालू होंगे ये वाले। पर चार्जर का भरोसा नहीं है कुछ भी। नलकों का सामान मिल जाता है 100 रुपये में, आपको नलका मिल जाता है यहाँ पर, फुवारे जो है ऊपर का हिस्सा जो है शावर का,
इसमें आपको 50 भी 100 रुपये वाला भी दोनों है, और क्लॉथ हैंगिंग भी आपको मिल जाता है। काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो रिजनेबल रेट है, जो मार्केट में दुकान में पूछने जाओगे तो ये आपको 250-300 में जो नलके मिलते हैं, यहाँ पर आपको 100 रुपये में मिल रहा है। ये ईयरबड पर मैं इनके लिए आप लोग को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इनकी बैटरी ज़्यादातर डाउन ही रहती है, कई बार एक चलता है एक नहीं चलता है। तो यहाँ आप देख रहे हो पुरानी बैटरीज मिल रही हैं, जो आप लोगों को 20 रुपये बैटरी के हिसाब से लगा देंगे, वैसे 25 रुपये है। और ये अगर दुकान से लेने जाओगे तो बड़ा महंगा पड़ता है। और ये वाली बैटरीज आपको लैपटॉप से और पावर बैंक से निकाली हुई होती हैं, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिक्स होते हैं, ख़राब वाले भी होते हैं और अच्छे वाले भी होते हैं, दोनों मिक्स होता है। तो ये आपको सारा अपने साथ ही मोटर लेके आओ या कंटिन्यूटी टेस्टर लेके आओ, तो आप लोग चेक करके ले सकते हो, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे उठा लेते हो तो आपके पैसे पानी में चले जाएंगे। और मेरा वीडियो जो है, मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं ट्रैवलिंग वीडियो बनाता हूँ वैसे, पर ट्रैवलिंग वीडियो में आजकल मेरे जो है व्यूअर्स कम हो रहे हैं शायद, पर मैंने देखा है कि मैं जब आप लोगों के कहने पे कबाड़ी बाज़ार में जब आया हूँ, तो कबाड़ी वाला जो थोड़ा सा भी है, मतलब उसमें थोड़े बहुत व्यू बढ़ते हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। पता नहीं लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आती है कि इसमें कोई ज़रूरत का सामान कहाँ मिल रहा है, किधर मिल रहा है। तो ये तो होता ही है, ज़रूरत का सामान ऐसी जगह में मिल जाता है, जो चीज़ दुकान में नहीं मिल पाती कई बार यहाँ मिल जाती है, और जो चीज़ दुकान में महंगी है वो यहाँ सस्ती मिल जाती है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है। अब यहाँ देख लो, जैसे कि यहाँ हेडफोन इतने सारे पड़े हुए हैं, अब इसी की रेंज लगा लो, ये कितने कितने के पड़ रहे हैं हेडफोन? 100 रुपये का हेडफोन पड़ रहा है लगा लो ये, पर ये है कि इसके कान का थोड़ा सा साफ नहीं है, पर ये इतने रेट में सही है। और इंडक्शन का सामान देख लो, यहाँ पर आपको नए इंडक्शन का सामान और पुराने इंडक्शन के सामान दोनों मिल जाते हैं चालू कंडीशन में, वो भी आप उनसे चेक करवा लो, चेक करके देते हैं। इधर भी इंडक्शन का ही है, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ एयरफोन हेडफोन ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मैं मोरसराय मार्केट आया हूँ, मेरे को लगता है कि मोरसराय मार्केट में आप लोगों को चोर बाज़ार कबाड़ी बाज़ार जो बोलते हैं संडे मार्केट, उससे ज़्यादा सामान आप लोगों को मोरसराय मार्केट में मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा भी मिल जाएगा। और यह है कि आप लोगों के ढूंढने के ऊपर डिपेंड करता है सारा, वहाँ जो है चोर बाज़ार में कबाड़ी मतलब कबाड़ का माल बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर आपका दुकान से रिजेक्टेड माल ज़्यादा होते हैं, तो ये फ़र्क है। पर ये है कि फिर भी आप चेक करके ले तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। यह स्टीरियो वगैरह काफ़ी हैं इस जगह पर, आप लोगों को कार स्टीरियो वगैरह मिल जा रहा है इधर, और लाइट्स वगैरह हैं काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टीरियो वगैरह आप लोगों को पड़ जाएगी 500 रुपये की रेंज में, और बाकी लाइट्स वाइट्स जो हैं आपको 50-40 रुपये ये मिल जाते हैं। और ये फोल्डिंग आयरन वगैरह हैं, ये 50 रुपये ऐसे मिल जाएगा आप लोगों को। तो मार्केट बहुत बड़ी है, देखो डाटा केवल 20 रुपये दे रहे हैं, चेक करा कर यहाँ पर। और बैटरी की भरमार मैं दिखाता हूँ, कितनी सारी बैटरियाँ हैं, मोबाइल्स की बैटरी, हर प्रकार के मोबाइल्स की बैटरी यहाँ मिल रही हैं, पर कितने बैकअप देंगे कितना नहीं देंगे ये मैं कुछ कह नहीं सकता, कौन सा सही है कौन सा ख़राब है ये तो आप अपना मोबाइल ला के चेक करके लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये बैटरियाँ जो दे रहे हैं ये 400 रुपये बैटरी दे रहे हैं, ये नहीं कि सस्ता दे रहे हैं, 400 रुपये बैटरी है, पर चेक ज़रूर कर लीजिएगा, और बैकअप क्या है ये नहीं पता असल में। बड़े बड़े स्पीकर्स मिल रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, डीजे वाले भी हैं सब। ये गाड़ी के सीट का स्क्रीन यहाँ मिल रहा है आप लोग। और ये देख रहे हो यहाँ पर कई लोग प्रोजेक्ट के ले ले जाते हैं ये सारे चला के रखे हुए पंखे,
एक कंप्यूटर के और बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ों के आप लोगों को यू मिल जाएंगे यहाँ पर, यूपीएस वगैरह के। पर आप लोगों को देखो टीवी भी बिक रहे हैं यहाँ पर, क्या छुटकियाँ सब कुछ मिल रहा है यहाँ। और ये मेरे ख्याल से रिपेयर्ड होते हैं और इसके कलर इतने खास तो होते नहीं हैं, पर अपनी रिस्क में लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसमें पुराने नए मदरबोर्ड वगैरह डाले जाते हैं जो चाइनीज़ होते हैं। और बल्ब वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये बल्ब जो बैटरी वाला भाई लेके गया 160 रुपये का बल्ब है, ये बड़ा वाला। ये ट्यूब्स वगैरह भी मिल जाती हैं। ये ट्यूब किस रेंज की है? 70 रुपये। और ये 160 का, तो रेट मैंने पता करके बता दिया आप लोगों को, बाकी आप देख ही सकते हो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिली है आप लोगों को, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसमें से अगर कुछ चीज़ आपको पसंद आती है तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। और ये मार्केट जो है मोरसराय मार्केट, लाजपत राय मार्केट है ये। स्पीकर्स के ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा स्पीकर्स के ही हैं दुकान यहाँ पर, बल्ब की दुकान यहाँ पर, अच्छी खासी है यहाँ पर। स्विच इलेक्ट्रिकल्स के भी सामान काफ़ी मिल रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को। और ये घड़ियाँ मिल रही हैं यहाँ पर ना, 300-300 रुपये घड़ियाँ बता रहे हैं, और चालू की कोई गारंटी नहीं भाई। इससे अच्छा आप लोग भागीरथ में जाके वहाँ से ले सकते हो, वहाँ आप लोगों को 350 से लेके 500 के रेंज में यही वाली घड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये पुराने लेने के फ़ायदे नहीं होते, सही बताऊँ तो इन चीज़ों में बहुत ख़राबी आती है। ये सारे नलकों के सामान भी यहाँ पर काफ़ी हैं इधर। ये सीलिंग के लिए लाइट्स वगैरह मिल रही है, ये भी आप लोगों को चेक करके लेना पड़ेगा, इसमें सही और ख़राब दोनों मिलेंगे आपको। मेरी तरफ से कोशिश है, मैं जितना बना सकता हूँ मैं आप लोगों को बना के बता भी रहा हूँ। यहाँ पर मोबाइल कवर आप लोगों को टेम्पर्ड ग्लासेस वगैरह मिल जाते हैं। बाकी मार्केट तो देख रहे हो ना आप, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। ये औजार आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ 20 रुपये से शुरू हो जाता है, 10 रुपये से शुरू हो जाता है, और 150 रुपये तक का सामान काफ़ी मिल रहा है यहाँ पर। ये लाइट कितने की है छोटू? ये लाइट कितने की है? हैं? छोटू ये लाइट कितने की है? ये वाली लाइट फोक लाइट, ये फोक लाइट, ये वाली फोक लाइट फोका जोड़ा। रोशनी कितनी होगी पता नहीं, पर सस्ता बहुत है। तो यहाँ अच्छी तरह से मार्केट इस टाइम मैं देख रहा हूँ ना, वो मैंने जितनी मार्केट थी वो आप लोगों को दिखा दी है, बस यही था मार्केट। और आज बहुत सी मार्केट बंद नज़र आ रही है मुझे, बाकी ये जो है यहाँ का जो कबाड़ी मार्केट बोलते हैं मोरसराय मार्केट का, तो ये थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ था अभी तक जो मैंने देखा है यहाँ पर। बाकी जो शॉप्स वगैरह हैं वो कम ही खुले हुए, ज़्यादातर बंद ही हैं। यही था मोरसराय मार्केट, लाजपत राय मार्केट जो है, जिसे कबाड़ी मार्केट भी कहते हैं।